Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Aaj aapke saath jhatbat chicken boneless masala ki recipe share karne laga hoon, jo foran jhatbat mein taiyar ho jayega. Sabse pehle aap dekhiye 600 gram wazan mein boneless chicken cubes ki tarah bana hua. ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्यूब्स बने हुए हैं इसके छोटे छोटे। अब इसको धो के साफ करके मैंने रख लिया है। इसके साथ ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया, पैन में मैंने घी डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम मेरा अभी बिल्कुल लो है। अब सबसे पहले ये बॉनलेस चिकन किस तरीके से पैन में डालेंगे। अच्छा जी, बॉनलेस मैंने सारा पैन में डाल दिया है, फ्लेम को आप तेज कर लेते हैं और इसमें अब शामिल करेंगे एक टीस्पून भर के नमक। ये देखिए नमक मैंने शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छा सा मिक्सअप करेंगे जिसमें लाल रखने रखें। ये देखिए घी जो है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है कि हमने इसको थोड़ा फ्राई करना था, तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो हमने घी से थोड़ा सा निकाल लेना है और हंसवे दुर्स बाकी रहने देना है। तो ये आप फ्लेम को तेज़ करके तकरीबन 5 मिनट में इसको फ्राई करूँगा। अच्छा भी बस 5 मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट हमने बॉनलेस को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो बॉनलेस में जो चिकन का एक अपना पानी होता है वो भी इसका रिलीज होकर ड्राई हो चुका है और बॉनलेस अब हमारा फ्राई होने की तरफ आ चुका है। ये देखिए पीसीज में हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल लो कर देना है और इसमें से जो एक्स्ट्रा घी है वो हमने निकाल लेना है और हंसने जरूरत जो घी है वो हमने इसमें रहने देना है। तो मैं इसमें से जो एक्स्ट्रा घी है वो थोड़ा सा रिमूव कर लूँ और उसके बाद फिर अगला स्टेप आपसे मैं शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, एक्स्ट्रा घी मैंने रिमूव कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 5 अदद हरी मिर्च कटी हुई। ठीक है, ये जरा बारीक बारीक से मैंने काट ली है। ये हल्की तेज़ जो तीखी मिर्च होती है उसका मैंने इस्तेमाल किया है, ये आपको बता दिया मैंने। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जो है वो एक टमाटर के 2 पीसेस कर लिए, मैं दिखाता हूँ। एक टमाटर इस तरीके से इसके 2 पीस कर लिए। ठीक है, अब ये टमाटर जो है इस तरीके से छिलके वाली साइड आपने ऊपर की तरफ करनी है और दूसरी साइड नीचे। अब हमने इस तरीके से पहले तो 2 टमाटर हमने इस तरीके से रखने हैं कि जो बिल्कुल बेस के ऊपर आए, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हमने इस तरीके से सारे टमाटर यहाँ पे बॉनलेस के ऊपर इस तरीके से रख देने। आप देख सकते हैं कि हमने कोई अभी तक मसाला नहीं इस्तेमाल किया और ना ही अभी हमने करना है। मसालों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ी देर के बाद होना है। अब मैं इसको कर दूंगा ये देखिए इस तरीके से कवर और इनको मैं दे दूंगा 15 मिनट का दम, बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, दम का टाइम पूरा हो चुका है, कवर उठा लेंगे। और अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने जो टमाटर डाले थे ये इनका जो छिलका है ये रिमूव करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये टमाटर नरम हो चुका है दम में। और इस तरीके से हमने सबसे पहले इनका छिलका रिमूव कर लेना है। छिलका रिमूव कर लेने के बाद अब इसमें मैं थोड़े से मसाले शामिल करूँगा। ये देखिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का डालने लगा हूँ। इसके बाद 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई इसका शामिल करने लगा हूँ। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स जिनको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून वो शामिल कर दी। उसके बाद 1 टीस्पून खुश्क धनिया ग्राइंड किया हुआ वो शामिल कर दिया। और इसके बाद शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, 1 टीस्पून भर के ये शामिल कर दी। फ्लेम को आप तेज़ कर लेंगे और हाई फ्लेम पे अब 5 मिनट हम इन तमाम मसालों के साथ बोनलेस को फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने इसकी बुनाई कर ली है माशाल्लाह से, ये देखिए मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब लास्ट पे इसमें मैं 1/2 टीस्पून गर्म मसाला जो है वो ग्राइंड किया हुआ वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद इसको एक बार दोबारा से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। उम्मीद करूंगा कि आप झटपट चिकन बोनलेस मसाले की रेसिपी को पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें। बहुत शानदार और लाजवाब इसका जायका जो है वो बनता है इस मेथड के साथ। तो आपने अगर इस रेसिपी को फॉलो करना और मेरे स्टेप को मुकम्मल आपने फॉलो करना है। गर्म मसाला मिक्स कर देने के बाद फ्लेम को एक दफ़ा हाई कर लिया और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ये ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। इसको एक दफ़ा इस तरह पैन के अंदर ही घुमा लेंगे और अब इसको आप चाहे बाउल में डालें चाहे किसी डिश में, जिस तरह भी आप इसको डाल के सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये बिल्कुल रेडी है और रेडी टू सर्व है, रेडी टू ईट है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा प्यार रखिए। आज तक यही तक के लिए था। अल्लाह हाफिज़।